नमस्कार दोस्तों, मैं मीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल YouTube चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो 5 लीटर इंजन होता है टाटा का, जो 5 लीटर है अल्ट्रा 5 लीटर इंजन, उसका सर्विस शेड्यूल क्या है, सर्विस शेड्यूल कब कितने किलोमीटर पे कैसा सर्विस कराते हैं, ये मैं बताने। बहुत से ओनर को या ड्राइवर को या फिर जो वर्कशॉप में काम करते हैं या फिर जो गैरेज पे काम करते हैं, उनको नहीं पता होता है गाड़ी का सर्विस कब कराना चाहिए, कितना किलोमीटर हो जाने पे कराना चाहिए या फिर कैसा क्या पीरियड रहता है, वो मैं आपको बताने वाले वीडियो में। तो आप ये चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैसे हमारे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात दोस्तों, जो 5 लीटर इंजन होता है उसका जो सर्विस टाइमिंग होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का PDI होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हीकल। जब गाड़ी की डिलीवरी होने लगती है, गाड़ी जब कंपनी से निकलती है, जब कोई कस्टमर गाड़ी को खरीदता है, उस समय जब गाड़ी का डिलीवरी होने के पहले जो गाड़ी का PDI करते हैं, प्री इंस्पेक्शन जिसे बोलते हैं, तो उसे PDI बोलते हैं। जो गाड़ी के पहली बार, जैसा कि लाइट वेट ओके है, जैसे टाटा प्लांट से गाड़ी तो आई पर इतनी दूर से गाड़ी आ रही है, कोई ना कोई फॉल्ट है तो नहीं गाड़ी में, लैपटॉप लगा के डायग्नोस वगैरह करते हैं, सारी चीज ओके है, फिर उसके बाद इसका टायर का प्रेशर, हेडलाइट, हॉर्न और जो रूप लैंप वगैरह है, सारी चीजें चेक करते हैं, सब ओके है, गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी कर देते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी जैसे ही, अगर जैसे बहुत सी गाड़ी होती है बॉडी बनने के लिए जाती है, अधिकतर सभी गाड़ी को बॉडी बनवाना ही पड़ता है बाहर, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने अच्छे तरीके से बॉडी बनवाना चाहता है। तो बॉडी बन के आई गाड़ी 3,000 से 5,000 किलोमीटर के बीच में व्हील अलाइनमेंट किया जाता है। एक बार व्हील अलाइनमेंट समझते, व्हील को देखा जाता है कोई व्हील राइट तो नहीं भाग रही, कोई व्हील लेफ्ट तो नहीं भाग रहा है, इस तरीके से व्हील अलाइनमेंट कराना पड़ता है। व्हील अलाइनमेंट बहुत जरूरी है गाड़ी के, क्योंकि इसका जो व्हील है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। व्हील का जो टायर है, कंप्लीट जो टायर आता है वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए व्हील अलाइनमेंट अगर प्रॉपर होता रहेगा तो आपको कोई भी टायर जल्दी खराब नहीं होगा, उसकी लाइफ बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम लोग अगर खाना ना खाएं तो क्या होता है, थक जाते हैं, सर दर्द का जैसा नींद आता है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, इसलिए गाड़ी का भी व्हील अलाइनमेंट नहीं होगा टायर का तो फिर प्रॉब्लम होती है, टायर घिसे का एक साइड से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए व्हील अलाइनमेंट बहुत जरूरी। फिर इसके बाद जब गाड़ी वहाँ से निकली, कस्टमर गाड़ी का बॉडी वगैरह बनाया, फिर उसके बाद वहाँ से जब निकला तो गाड़ी का सेकंड PDI जिसे बोलते हैं, एक बार फिर से गाड़ी को चेक किया जाए 3,000 से 5,000 किलोमीटर के बीच में, व्हीकल का अलाइनमेंट तो होगा ही, फिर उसके बाद गाड़ी की नॉर्मल चेकअप जो होते हैं, कोई फॉल्ट कोड है बॉडी बिल्डिंग करते समय, ये वायर शॉर्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उसे भी चेक करते हैं, जिसे सेकंड PDI बोलते हैं। पर सेकंड PDI MHCV गाड़ियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका बॉडी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनकर इसका नॉर्मल रहता है, बाकी गाड़ी को भी नॉर्मल रहता है। SCV गाड़ियों का सेकंड PDI होता ही नहीं, LCV गाड़ी जो 5 लीटर इंजन या फिर 5 लीटर इंजन में टर्बोट्रॉन जो है वो भी MHCV आती है, उसका सेकंड PDI होता है। इसका कैसा है, सेकंड PDI ऐसे नॉर्मली चेक करते हैं। अब जो है बात आती है सर्विस शेड्यूल, जो टाटा मोटर आपको 3 फ्री सर्विस देती है सभी गाड़ियों में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फ्री सर्विस देती है। उस सर्विस शेड्यूल क्या है, जैसे अल्ट्रा 5 लीटर इंजन का सर्विस शेड्यूल क्या है, पहला सर्विस ये 5 लीटर इंजन का 80,000 किलोमीटर पे होता है, 80,000 किलोमीटर या एक साल 365 दिन, ये दोनों में से जो पहले आएगा उस समय आपको सर्विस कराना रहेगा। ये फर्स्ट सर्विस का टाइमिंग है, गाड़ी का जो पहली बार सर्विस होती है उसका ये टाइमिंग है, पहला सर्विस 80,000 किलोमीटर पे या एक साल पे, इस तरीके से पहला सर्विस होता है। गाड़ी का जो पहला सर्विस है ये शेड्यूल सर्विस करते हैं, ऐसे ही 80,000 प्लस करते जाएंगे, इस हिसाब से सर्विस टाइम बढ़ता जाएगा, एक साल से दो साल, दो साल से तीन साल, तीन साल से चार साल, इस तरीके से सर्विस टाइमिंग बढ़ता रहता है गाड़ी का, जो टाटा मोटर का जो सर्विस शेड्यूल है। अगर ये सर्विस शेड्यूल से कराते तो आपको बहुत सारी बेनिफिट होती है, गाड़ी का वारंटी, गाड़ी का मेंटेनेंस, और वारंटी खत्म हो जाने के बाद भी आपको फायदा होते हैं अगर आप ये 80,000 वाला सर्विस कराते हैं तो। क्या फायदा होगा अभी आप पूछेंगे, क्या फायदा होगा, किसी को आइडिया है, आइडिया तो कमेंट कर दो, क्या फायदा होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या फायदा होगा। गाड़ी का ECU खराब हुआ, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, गाड़ी का ECU खराब हुआ, गाड़ी आपकी 2 साल के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 2 साल की वारंटी होती है, आप सबको मालूम होगा, ऐसा मैं
वारंटी जो टाटा मोटर का सर्विस शेड्यूल है, वारंटी उस पर डिपेंड करता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 2 साल का होता है। तो ईसीयू खराब हुआ तो वो खराब होने के बाद वारंटी तो खत्म है आपका, पर एक गुडविल होता है, गुडविल, गुडविल सीएसएम जो देते हैं, कैसा है आपका मैनेजर से अच्छा संबंध है, मैनेजर का सीएसएम से अच्छा संबंध है, और आपका कंपनी से अच्छा संबंध है, मैनेजर से नहीं। अब टाटा मोटर के जो सर्विस शेड्यूल उसके टाइम पे करा रहे हैं, फिर भी आपकी गाड़ी में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया इन फ्यूचर, तो उसके लिए सर्विस शेड्यूल टाइम पे रहेगा सर्विस वगैरह, तो आपको गुडविल मिलने का चांस 80% रहता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे, तो आपको गुडविल मिलने का चांस रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसा उनका एस गोल्ड गाड़ी है, सर मेरा एस गोल्ड गाड़ी है, यूरिया टैंक खराब हो गया है, 30,000 रुपये बोल रहे हैं डीलर पे, बोला ओके। तो उन्होंने बताया, पहला कस्टमर वो नहीं बोलते कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम थी इसलिए ऐसा हुआ, यूरिया टैंक खराब है, यूरिया टैंक इसके लिए 30,000 का आता है। अगर आपने सर्विस टाइम पे करवाया है तो आपको गुडविल मिलने का चांस होता है, सर्विस वगैरह सारी चीज़ें टाइम पे हैं, तो कंपनी वाला भी चाहेगा, डीलर वाला वो चाहेगा कि आपको कम से कम कितना लगे, कम से कम कैसा। मैं भी जो भी ऑनलाइन मेरे संपर्क करते हैं, मैं उनको कम से कम कोशिश कराने करता हूँ। अगर आपको भी टाटा मोटर का सॉफ्टवेयर, गरुड़ा वी कनेक्टर, महिंद्रा का आई स्मार्ट, जाल टेस्ट का स्कैनर, या फिर TDS लाइट, कोई भी आपको डिवाइस चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं अमित उपाध्याय आपको जरूर दिलाने की कोशिश करूंगा, और सर्विस सपोर्ट आपको एनी टाइम रहेगा, आप कभी भी आप कॉल करके सर्विस सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर लो या ना लो वो बात की बात है, पर आप अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो, मैं आपको सर्विस सपोर्ट एनी टाइम करूंगा, जितना मेरे से हो सके मैं आपको एनी टाइम सपोर्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं, जो जो मेरे से जुड़ा है मैं सबका काम कर देता हूँ, चाहे वो मुंबई के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे श्रीनगर के हो, ऐसा भारत के सभी राज्यों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सबको मदद करता हूँ। आपको भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सर्विस शेड्यूल का आशा करता हूँ आप 5 लीटर इंजन का समझ गए होंगे, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर फिर से आपको बताऊँगा। कोई भी चीज़ रहेगा मैं आपको शुरू से शुरुआत करूँगा, पूरा अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।